नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी एंड नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर लेक्चर सीरीज के अंदर ये मेरा 15वां लेक्चर है और आज मैं इसमें दिसंबर 2013 के क्वेश्चन पेपर को आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? प्रोटागोरस इसका प्रधान पात्र नहीं है, पॉलीमार्कस, एंडिमेंट्स और ग्लूकोन इसके प्रधान पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर दो, सूची एक को सूची दो के साथ आपको मिलाना है और ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। सी बी मैकफर्सन, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो बी का तीन है, बी का तीन केवल यहाँ पे है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। और ए का चार, ए आर ब्लास्टर ने लिखी है डेमोक्रेसी, ए आर ब्लास्टर ने लिखी है डेमोक्रेसी। और सी का एक, सी पैटमैन ने लिखी है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, और डी हेल्ड ने लिखी है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ए जैसे इसका बी है करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन, मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम क्या है? मार्क्स के लेख आपको बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है थीसिस ऑन फ्यूरबाख, 1845 में लिखी है थीसिस ऑन फ्यूरबाख, इन्होंने 1845 में लिखी है और ये जर्मन आइडियोलॉजी का एक पार्ट है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे सी है, ठीक है, ये 1845 में। और उसके बाद इन्होंने लिखी है पावर्टी ऑफ फिलोसफी, पावर्टी ऑफ फिलोसफी, ये इन्होंने प्रूधों के खिलाफ लिखी है। प्रूधों ने जो एक अपनी बुक लिखी थी फिलोसफी ऑफ पावर्टी, उसको इन्होंने पावर्टी कह के बुलाया, उनकी किताब को क्या बोला कि ये गरीबी, गरीब तो ये किताब है, ठीक है। और ये आई है पावर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में। आपको पता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्होंने लिखी है 1848 में, और सबसे बाद में लिखी इन्होंने क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्रिटिक ऑफ या कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये 1859 में इन्होंने लिखी है। देखते क्वेश्चन नंबर चार, व्यवहारवादियों के लिए अस्पष्ट होने के बजाय गलत होना बेहतर है। बिल्कुल सही बात, उन्होंने बोला था कि अस्पष्टता से गलत होना ही बेहतर है, अस्पष्टता से क्या है गलत होना ही बेहतर है, ठीक है, बजाय गैर प्रासंगिक रूप से यथार्थ होने के अस्पष्ट होना बेहतर था। तो यहाँ पे ये इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला है कि गैर प्रासंगिक की इन्होंने बात नहीं की है, ठीक है। तो डी यहाँ पे गलत है, तो इसका मतलब है आर गलत है, ए सत्य है, आर असत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता है। दोस्तों, ये जॉन रोल्स का कथन है। जॉन रोल्स बोलते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर न्याय का आभास होता है, उसे ये एहसास होता है कि मेरे साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो न्याय की एक उनके अंदर फीलिंग होती है, न्याय की एक अवधारणा उनके अंदर होती है जिसका संपूर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति, मतलब समाज का कल्याण दबा नहीं सकता। तो ये बात की थी जॉन रोल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर। उपयोगितावाद का संस्थापक सो सिंपल बेंथम, निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑन न्यू डेमोक्रेसी, बिल्कुल माओ ने लिखा है, ऑन कॉलिशन गवर्नमेंट ये भी लिखा है, पीपल्स वॉर भी लिखा है, ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप इन्होंने नहीं लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर आठ, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? ये गए थे गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए, गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर दो, मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया था, किसने स्थापित की थी? तो मैक्सिको की क्रांति और कम्युनिस्ट पार्टी में एमएन रॉय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था
अरविंदो घोष को। एफ ए आर्गेंस की, ये पांचवी या छठी बार क्वेश्चन आ गया है। एफ ए आर्गेंस की द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं को आरोही क्रम में आपने लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आदिम राष्ट्रीयकरण या एकीकरण किया जाएगा। उसके बाद क्या, औद्योगिकरण किया जाएगा। औद्योगिकीकरण के बाद राष्ट्रीय कल्याण में उसको लगाया जाएगा, और उसके बाद एब्यूडेंस या प्रचुरता आपके पास रहेगी। तो 11 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है सी। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप के बारे में बात की है। आभासी या कृत्रिम ग्रुप के बारे में बात की है मॉरिस डुअर्जर ने। क्वेश्चन नंबर 13, ये चिंतकों को अपने विचार के साथ मिलाना है। कार्ल मार्क्स सबसे इजी रहते हैं ढूंढने के लिए, क्योंकि इन्होंने हमेशा क्रांति की बात की है, प्रक्रिया के रूप में क्रांति जिसके जरिए संरचनात्मक असमानताएं समाप्त की जा सकती है। तो क्रांति की बात की थी मार्क्स ने। ए का तीन सिर्फ यहाँ पे है, इसका सही आंसर है सी। चार्ल्स जॉनसन ने मूल्य समन्वित सामाजिक व्यवस्था मॉडल दिया है। टेड गुर भी है, इन्होंने क्रांति के संबंध में भी बात की है, और इन्होंने सापेक्षिक वंचना की भी बात की है, ठीक है। तो टेड गुर सी का करेक्ट आंसर है, समग्र मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। बैरिंगटन मूर कृषक वर्ग तथा संपत्ति के स्वामियों के बीच पैतृक संबंध की स्थिति के ऊपर बात करते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया है सी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें सरकार का प्रकार और मुख्य गुण बताए हैं। सैनिक प्रणाली, मिलिट्री शासन। मिलिट्री जो शासन होता है वो होता है जबरदस्ती पर आधारित, मिलिट्री द्वारा जबरदस्ती शासन किया जाता है। वंशगत शासन, जो वंश के आधार पर राजाओं का शासन कैसे चलता था, वो चलता था आधार के, जो आदर के आधार पे कि उनका आदर किया जाता है, राजाओं को सम्मान दिया जाता है कि शहनशाह है, ठीक है। वंशगत हो गया। नकली लोकतंत्र, नकली लोकतंत्र मतलब जहां दिखावा तो किया जाता है कि सभी लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कौन करते हैं, अल्पतंत्र शासन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है उदार लोकतंत्र के जैसे, सावधिक चुनाव परंतु सत्ता अल्पतंत्र के हाथों में ही रहती है। तो ये नकली लोकतंत्र है, भारत में भी नकली लोकतंत्र है, और देश के मैक्सिमम देशों में आज नकली लोकतंत्र है। डी उदार लोकतंत्र, सरकार की प्रक्रिया में विस्तृत स्वैच्छिक सहभागिता, जिसमें सहभागिता पार्टिसिपेशन होता है, उसको उदार लोकतंत्र बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है बी। 14 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया है विशिष्ट है, सार्वभौम है, यंत्रणीय सहायक या आरोपणीय, ये हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी है, कूट से हमें इसको निकालना है। तो इसमें विशिष्ट भी है, विशिष्ट मतलब जो सीमित क्षेत्र तक होता है, समाजीकरण आजकल सीमित क्षेत्र तक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मास लेवल पे होता था समाजीकरण, अब क्षेत्रीय लेवल पे गांव में ही हो रहा है, गांव से बाहर व्यक्ति समाजीकरण के लिए नहीं जाते हैं। सार्वभौम भी होता है, ठीक है, सार्वभौम भी होता है, और यंत्रीय भी होता है, मतलब मैकेनिकल जो समाजीकरण होता है कि ये खाओ ये नहीं खाओ, वो पहनो वो नहीं पहनो, तो वो क्या होता है, मैकेनिकल, ठीक है, आरोपणीय नहीं है, आरोपणीय यहाँ पे नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार कौन सी नहीं है। सर्वसत्ता मतलब टोटेलिटेरियनिज्म की सरकार, संसदीय रूप की सरकार कभी भी टोटेलिटेरियनिज्म सर्वसत्ताधिकारवादी नहीं होती है। सैनिक सरकार भी होती है, फासिस्ट भी होती है, और साम्यवादी भी होती है, जहां पे
सत्ता एक व्यक्ति के या निरंकुश के हाथ में होती है। निम्नलिखित लेखकों में से किसने अभिजात वर्ग को दो मोटे प्रकारों में वर्गीकृत किया? पहला प्रकार था संगठित और निर्देशित करने वाले अभिजात वर्ग, और दूसरा है अनौपचारिक रूप से संगठित तथा विसरित अभिजात वर्ग। तो ये डिवीजन किया था कार्ल मैनहिम ने, या कार्ल मानहिम ने। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पार्टियों को दो मुख्य वर्गों में टर्न ओवर एवं हेजोमेनिक, वैचारिक तथा व्यवहारिक में निम्नलिखित में से किसने वर्गीकृत किया? दोस्तों, मायरन विनर और ला पालुम्बरा। मायरन विनर ने जो अप्रोच यूज की थी उसे बोला जाता है सामाजिक या सांस्थानिक अप्रोच, मायरन विनर ने, और ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर इन्होंने की थी। पराश्रितता की अवधारणा 1960 के दशक में उद्विकसित हुई। जो डिपेंडेंसी की थ्योरी है दोस्तों, ये लैटिन अमेरिका से शुरू होती है, लैटिन अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 20, पुस्तकों को लेखकों के साथ आपने मिलाना है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, तो देखते हैं इसको। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स लिखी है आर यंग ने। डायनामिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन लिखी है CE ब्लैक ने, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर CE ब्लैक ने लिखी है। इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स, वोटर्स को कैसे प्रभावित किया जाए, आर रोज। स्टडीज इन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, JS कॉलमैन। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे कॉलमैन के साथ आई थिंक आमंड भी थे इसमें, आमंड एंड कॉलमैन। तो 20 का करेक्ट आंसर है ए, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 21, ये अभिकथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। धर्मनिरपेक्षता का अनिवार्यता अर्थ यह नहीं है कि लोग धर्म विरोधी बन जाए। बिल्कुल, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि लोग धर्म का विरोध करने लग जाए, या सार्वजनिक क्षेत्र और व्यक्तिगत विश्वास के क्षेत्र दोनों से ही धर्म गायब हो गया है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। धर्म मात्र एक नहीं है, धर्म बहुत सारे हैं ना, धर्म मात्र एक नहीं है और अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है जिसके तरीके में लोग अपने को और अपने संबंधों को समझते हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि एकमात्र तरीका नहीं है और एक ही भगवान नहीं है, एक ही धर्म नहीं है जिसके तरीके से हम अपने संबंधों को समझते हैं। इसलिए धर्म निरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि लोग धर्म विरोधी बन जाए या धर्म को ना माने या उसका विरोध करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 22, 1980 का दशक जो भारत की राजनीति में वृहद उथल पुथल का था, मैं बहुत सी नव राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई। 1980 के बाद बहुत सी राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई यूपी बिहार में, और सेंट्रल लेवल पे भी जनता पार्टी भी इसी दौरान में आई थी। राष्ट्रीय पार्टियां उपांतिकृत हो गई है अथवा बहुत से राज्यों में राजकीय पार्टियों की आश्रित बन गई है। जो राष्ट्रीय पार्टियां थी ना 1980 के दशक में, वो जो क्षेत्रीय पार्टी थी ना उसके ऊपर, उसके सहयोग के ऊपर निर्भर होने लगी थी 1980 के बाद, उसी से कोलिशन की गवर्नमेंट बनने लगी थी। ठीक है, यही कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित को उनके कालक्रम में आपने लिखना है। नेहरू रिपोर्ट आई है 1928 के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी 1929 में, जो लाहौर में कौन सी नदी थी वो नाम भूल गया मैं, लाहौर में एक नदी के किनारे ये हुआ था 1929 में। तो 23 का करेक्ट आंसर है सी, 1, 4, 3, 2। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में कहा कि संशोधन का अधिकार संसद का है और यह अधिकार असीमित है? कि संसद चाहे तो कुछ भी संशोधित कर दे, मौलिक अधिकारों को कर दे, जिस मर्जी को। ठीक है, तो यह कहा था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, और इस फैसले को
सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया था केशवानंद भारती केस के अंदर, जिसमें इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत अपनाया था। तो ये शंकरी प्रसाद इसका करेक्ट आंसर है, और इसको पलटा था अपने फैसले को केशवानंद भारती केस में। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? केरल के अंदर नहीं है। इसकी एक ट्रिक है, तू भी मजा कर। इसके अंदर 7 राज्य है जहां पे द्विसदनीय है। अगर आप उसका पता करना है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका फुल शॉर्टकट या फॉर्मूला बता दूंगा। 26, जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का सही कालक्रम बताइए। सही कालक्रम तो 26 का मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है डी। अब आपको शेख अब्दुल्ला तो सबको पता है, शेख अब्दुल्ला रहे हैं जब से भारत आज़ाद हुआ है, जे एंड के एक मतलब भारत में मिला है, तो शेख अब्दुल्ला रहे हैं 1948 से लेके 1953 में। 1953 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बनते हैं गुलाम मोहम्मद या गुलाम मोहम्मद बख्शी, और इनका जो टाइम पीरियड है 1953 से लेके 1963 तक। और उसके बाद बनते हैं जीएम सादिक। क्वेश्चन नंबर 27, अब ये षड्यंत्र या वाद, किस वाद के साथ कौन जुड़ा है? उसमें दंडित भी किया गया क्रांतिकारियों को, ठीक है। नासिकवाद से जुड़े हैं हिंदुवादी विनायक सावरकर, नासिकवाद से जुड़े हैं, 1909-10 में हुआ ये। बनारसवाद से जुड़े हैं सचिंत्रानंद सान्याल। और काकोरीवाद आप सभी को पता है, काकोरीवाद 1924 में हुआ था, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें दंडित किया गया था। और लाहौरवाद 1929-30 में भगत सिंह को दंडित किया गया था। तो 27 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 28, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? दोनों सदनों की बैठक क्यों बुलाई जाती है? संसद का एक सदन विधेयक पारित कर देता है तो दूसरे सदन द्वारा उसे अस्वीकार करना, ठीक है, ये भी कारण है। विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर दोनों सदनों में अंततः असहमत होना, जब संशोधनों को लेकर दोनों असहमत हो तो भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। दूसरे सदन द्वारा बिल प्राप्त करने की तिथि से 6 माह से ज्यादा बीत गए हों तो भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ने बिल पर अगर सहमति देने से इनकार कर दिया है तो दोबारा लोकसभा उसको पारित कर सकती है और दोबारा राष्ट्रपति को साइन करने होते, तो इसके लिए ज्वाइंट सेशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, फेडरल इंडिया अ डिजाइन फॉर चेंज नामक पुस्तक लिखी है रशीदुद्दीन खान ने। फेडरल इंडिया, रशीदुद्दीन खान। सबाल्टन उप आश्रित अध्ययनों के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक नुमा योगदान निम्नलिखित में से किसका है? सबाल्टन होते जो गरीब राज्य होते हैं या गरीब जो क्षेत्र होते हैं उनकी स्टडी, ठीक है, तो ये की है रंजीत गुहा ने। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन विज्ञान है? किसने बोला कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, ठीक है, मतलब दावे पे प्रश्न उठाया, मतलब ये बोलता है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं, तो ये बात की थी रॉबर्ट डहल ने। अगर यहाँ पे हर्बर्ट साइमन होते तो हर्बर्ट साइमन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 32, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक जनक FW टेलर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे इसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जाता है। सावधानी पूर्वक अवलोकन करना भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर है, प्रबंध की तकनीकें भी है और जनरलाइजेशन भी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं? वैज्ञानिक प्रबंध के। क्वेश्चन नंबर 33, लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अब यहाँ पे जो लोक प्रशासन के जो दृष्टिकोण है वो दो टाइप के हैं, एक प्रकृति को बोला जाता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण जिसका समर्थन किया है साइमन लूथर गुलिक और स्मिथ वर्ग ने, और दूसरा है एकीकृत दृष्टिकोण जिसका समर्थन किया है
हेनरी फ्योल और एलडी वाइट ने। तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण के साथ तीन लोग जुड़े हैं, साइमन स्मिथ और गुलिक, और एकीकृत के साथ जुड़े हैं हेनरी फ्योल। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, और ये संगठन के प्रकार है या संगठन में लाइन एजेंसी क्या होता है, जनरल स्टाफ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लाइन एजेंसी, लाइन एजेंसी क्या होती है जो लक्ष्य प्राप्ति में सीधे योगदान देने हेतु कार्य करते हैं। ठीक है, लाइन का मतलब क्या है, कार्यपालिका द्वारा जो काम किए जाते हैं, जिसके डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। ठीक है, जनरल स्टाफ, जनरल स्टाफ होता है जो व्यक्तिगत प्रशासन का संचालन करता है, जो पर्सनल पर्सनल प्रशासन होता है उसका संचालन करता है जनरल स्टाफ। और विशिष्ट स्टाफ होता है जो डेटा संकलन और उसका विश्लेषण करता है, जो डाटा इकट्ठा करता है और उसका विश्लेषण करता है उसको बोला जाता है विशिष्ट स्टाफ, क्योंकि ये विशिष्ट काम कर रहे हैं, कुछ स्पेशल काम कर रहे हैं। डाटा संकलन करना हर किसी का काम नहीं है, ये विशिष्ट स्टाफ ही कर सकता है। व्यक्तिक स्टाफ मतलब पर्सनल स्टाफ। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइन अधिकारियों के भिन्न प्रयुक्तियों की डायरी रखना इनका काम होता है। तो 34 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को दुर्बल बना दिया है। केंद्र राज्य के अंदर जो राजकोषीय संबंध या संबंध होते हैं, राजकोषीय संबंध वित्त आयोग की भूमिका को दुर्बल बनाया था योजना आयोग ने, जिसका कारण एक ये भी दिया था योजना आयोग को खत्म करने का। ठीक है, भारत में लोक सेवा में जॉब या नौकरी के किस वर्ग के लिए पदोन्नति में योग्यता सहप्रवृत्ता के सिद्धांत को अपनाया गया है, यह अपनाया गया है क्लास 1 एंड क्लास 2 गैजेटेड के अंदर। कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से है, उत्तम शासन के सिद्धांत कौटिल्य ने कौन कौन से बताए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, व्यक्तिकता का कर्तव्यों के साथ विलय होना चाहिए, आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना चाहिए, और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राजा का काम है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1, 2, 3। और इन्होंने बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करने की बात बिल्कुल भी नहीं की है, आपको देखने से ही लग रहा है कुछ अजीब सा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। पद स्थिति वर्गीकरण आधुनिक कार्मिक प्रशासन की नींव है। बिल्कुल, पद स्थिति वर्गीकरण आधुनिक प्रशासन की नींव है। पद स्थिति वर्गीकरण सिविल सेवाओं के औचित्य स्थापन करने देता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, बस आपने फोकस करना है, यहाँ पे फोकस पद स्थिति वर्गीकरण पे किया है और कारण में भी इसी पे किया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, भले ही आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है, लेकिन ये फॉर्मूला काम करता है। इसका आंसर ए है। सामान्यवादी तथा विशिष्ट के बीच संबंध प्रवर तथा अवर का संबंध होता है। सामान्यवादी तथा विशिष्ट के बीच का संबंध किसका होता है, प्रवर तथा अवर का होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सामान्य वादी कौन होता है, जिनको सामान्य काम आते हैं, और विशिष्टवादी क्या होता है, जिनको विशिष्ट काम होते हैं। तो सामान्यवादी क्या होता है, प्रवर, और विशिष्ट होते हैं अवर। बिल्कुल होता है, लोक नीति को बनाने और क्रियान्वयन में विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है। विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल सही है, आर बिल्कुल सही है। लोक नीति को बनाने और क्रियान्वयन में विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ये फिर उल्टा हो गया है। यहाँ पे सामान्यवादी तथा विशिष्टवादियों के बीच अवर और प्रवर का संबंध नहीं, प्रवर और अवर का होता है। आप आई थिंक इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, इसका करेक्ट आंसर डी है। आर यहाँ पे बिल्कुल सही है और ए गलत है। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए और फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40, लोक प्रशासन में सामान्य तौर पर लाभ का प्रयोजन अनुपस्थित रहता है।
बिल्कुल सही बात है। लोक प्रशासन में लाभ का प्रयोजन होता है ना, जो अनुपस्थित रहता है उसमें लाभ ज़्यादा नहीं देखा जाता है लोक प्रशासन के अंदर, की कहाँ पे कितना लाभ हो रहा है, वहाँ पे लोगों की सुविधाएं ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, और सरकारी गतिविधियाँ केवल लाभ को अधिकतम करने के लिए नहीं होती परंतु समाज के कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए होती है। बिल्कुल यही बात तो यहाँ पे हो रही है और यही बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर सोवियत काल में आणविक शस्त्र राज्यों में संभावित रूप से सैनिकों द्वारा चालित या कमजोर नागरिक सरकारें हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। उत्तर सोवियत काल में क्या हो सकता है, या तो जो आपके न्यूक्लियर वेपन के द्वारा जो सरकारें चल रही है वो सैनिकों द्वारा चलाई जा सकती है, या फिर वो कमजोर नागरिक सरकारें हो सकती है। उनके पास नागरिक नियंत्रण का सकारात्मक निरोधी क्रियाविधियों का अभाव होगा। अगर उनके पास यहाँ पे सकारात्मक निरोधी की बात की जा रही है, इसका इनके पास बिल्कुल अभाव होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का हाईटेक नेवल बेस प्रोजेक्ट वर्षा कहाँ है? प्रोजेक्ट वर्षा है रामबिली आंध्र प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43, एटम फॉर पीस निशस्त्रीकरण योजना विश्व के किस नेता ने प्रस्तुत की थी? एटम फॉर पीस 1957 के अंदर, सॉरी 1953 के अंदर आइजन हावर ने की थी। आइजन हावर ने दिया है एटम फॉर पीस। क्वेश्चन नंबर 44, चिंतक को उनकी अवधारणा के साथ आपने जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले है विलियम कोहेन, विलियम कोहेन, विलियम कोहेन ने दिया है सैनिक कार्यकलापों में क्रांति, सैनिक कार्यकलापों में क्रांति। मार्टिन शो, मार्टिन शो ने किया है युद्धों का अपहास, अपहरास। रेमंड आरन ने थ्योरी दी है अतिशयोक्ति परक युद्ध की, और मैरी काल्डर ने दिया है न्यू वॉर या नवीन युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि के रूप में ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF किसने सृजित की है? विशेष रूप से विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधित परियोजनाओं का निधियन करने के लिए। तो ये आई विश्व बैंक ने की है 1991 के अंदर, और 1992 से ये फंक्शनल रूप से सेटअप हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, और इसको आपने आरोही क्रम में लगाना है कि पहला कौन सा है और बाद में कौन सा आया। सबसे पहले आपका ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, तो सबसे पहले दो आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी आ चुका है हमारे पास। उसके बाद होती है यूट्रेक्ट की संधि 1773 में, उसके बाद पेरिस संधि 1920 में, और यूएन चार्टर बनता है 1945 के अंदर। तो सी करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 47, शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले चार तत्व क्या है? शासन प्रणाली में पहले तो सिद्धांत होते हैं, फिर मानक होते हैं, फिर नियम होते हैं, फिर निर्णय कार्य विधियां होती है। तो 47 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 48, महिलाओं के आंदोलन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को सही आरोही क्रम में आपने लिखना है, सही क्रम में आपने लिखना है। तो सबसे पहले मैक्सिको सिटी में यूएन कॉन्फ्रेंस होती है, मैक्सिको सिटी में होती है 1975 के अंदर। ठीक है, उसके बाद होती है कोपनहेगन में 1980 में, उसके बाद होती है नैरोबी में 1985 में, और सबसे लास्ट में होती है बीजिंग के अंदर। तो 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, भारत और नेपाल में संशोधित दोहरा करारोपण परिहार समझौता डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कब हस्ताक्षरित
हुआ। दोस्तों अभी बहुत सारे देशों के साथ ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हमने किए हैं। भारत ने फरवरी मार्च और अप्रैल में भी 2 या 3 देशों के साथ हुए हैं, तो ये नेपाल के साथ हुआ था 2011 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन से देश एशियन प्लस थ्री में समाविष्ट किए गए हैं, जो आसियान प्लस थ्री में शामिल किए गए हैं, उनमें सबसे पहला चीन, फिर जापान और फिर दक्षिण कोरिया। दोस्तों आई होप आपको मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।